यश नाम का एक लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद आया था और यहाँ पर वो हॉस्टल में रह रहा था। उसके पिताजी की सरकारी नौकरी थी, इसलिए वे यश को हॉस्टल खर्च के ठीक ठाक पैसे भी देते थे। हॉस्टल लाइफ में तो हम सब जानते ही है कि कितनी सारी मौज मस्ती होती है। यश भी अपने हॉस्टल लाइफ को भरपूर एंजॉय कर रहा था। हॉस्टल में आए यश को अभी एक महीना ही हुआ था कि वो सिगरेट और शराब पीने लगा था। हॉस्टल में तो ये सब आम बात होती थी क्योंकि उनके सारे दोस्त भी सिगरेट और शराब पीते थे। खासकर उनके हॉस्टल के सीनियर लड़के तो बहुत ही मौज मस्ती करते थे और खूब सिगरेट और शराब पीते थे। वो लोग हर रोज देर रात तक पार्टी करते थे। यश को ये सब अच्छा लगने लगा और ऐसे ही कॉलेज का एक साल निकल गया। जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो यश के मार्क्स बहुत ही कम थे। मार्क्स कम होने के कारण उसको पिताजी की डांट भी सुननी पड़ी। पिताजी ने समझाया कि बेटा, आजकल कंपटीशन बहुत चल रही है, इसलिए तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। पिताजी की बात सुनकर यश ने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया, पर उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो तो पहले जैसे ही देर रात तक पार्टी करता था। देर रात तक पार्टी करने की वजह से वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था। कॉलेज में हर रोज लेट जाने के कारण उसे प्रोफेसर से भी डांट पड़ती थी। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ रात को अपने घर से हॉस्टल के लिए वापस आ रहा था। रेलवे स्टेशन से निकलते ही उन्होंने ऑटो ढूंढना शुरू किया। रेलवे स्टेशन से हॉस्टल का रास्ता करीब 5 किलोमीटर जितना था। उस वक्त रात के 1:30 बजे थे। वो लोग ऑटो या रिक्शा वाले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको कोई भी ऑटो या रिक्शा वाला नहीं मिल रहा था। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद उन लोगों को एक ऑटो मिल गई। बहुत ज्यादा वक्त के बाद ऑटो मिली थी, उसीलिए उन लोगों ने ऑटो वाले से मोल भाव भी नहीं किया था और बैठ गए थे। थोड़ा आगे जाते ही यश ने ऑटो वाले से पूछा कि आप इतनी देर रात को क्यों ऑटो चलाते हैं? जहां तक मुझे पता है, यहां पर कोई भी ऑटो वाला इतनी रात को नहीं मिलता है। ऑटो वाला ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी बात सच है। यहां के सारे ऑटो वाले रात के 12 बजे तक ही काम करते हैं। यश ने कहा कि तो फिर आप क्यों इतनी देर रात तक काम करते हो? ऑटो वाले ने कहा कि मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं देर रात तक ऑटो चलाता हूं। ऐसा करने से मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं और बच्चों की फीस भरने में ये पैसे काम आते हैं। यश ने कहा कि आपको देखकर लगता है कि आप पढ़े लिखे हो, तो फिर आप ये ऑटो चलाने का काम क्यों करते हो? ऑटो वाले ने कहा कि जी, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं इंजीनियरिंग करता था, पर उस वक्त मैं ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था और सुबह जल्दी भी नहीं उठता था। मैं अपने दोस्तों के साथ रात को देर तक पार्टी भी करता था। मुझे उस वक्त शराब पीने की ही आदत भी हो गई थी। इस वजह से मैं इंजीनियरिंग में फेल हुआ और इंजीनियरिंग पूरी करने का मन भी नहीं था, इसलिए छोड़ दिया और ये ऑटो चलाने का काम शुरू कर दिया। ये सब बातें सुनकर यश के और उनके दोस्तों के होश उड़ गए। उन लोगों ने उसी रात को फैसला किया कि हम सब आज से पढ़ाई में पूरा ध्यान देंगे और देर रात तक पार्टी भी नहीं करेंगे। इस ऑटो वाले की कहानी सुनकर यश और उनके दोस्तों में काफी बदलाव आ गया। हमें हमारा लक्ष्य कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो फिर हमें पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में ही देना चाहिए, ताकि बाद में हमें इस ऑटो वाले की तरह पछताना ना पड़े। हमारा लक्ष्य हमें हर हाल में पूरा करना चाहिए। जब तक हम अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं करते हैं, तब तक हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। सुबह अलार्म से पहले हमें अपना लक्ष्य जगाए, ऐसा होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।